के लिए बताइए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत खुश हूँ मैं आप सब लोगों को देख के, कितनी तादाद में आशा वर्कर यहाँ मौजूद है। आशा वर्कर आगे आगे होगी तो इन्हें आपके पीछे जरूर होगी, क्योंकि आशा वर्कर के बिना एएनएम का काम करना संभव ही नहीं है। आप बहुत मजबूत जड़ हैं इस कार्यक्रम की, और आपने ये बीड़ा उठाया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरे दिल की इच्छा है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आपको भी ये सम्मान आपका मिले। अगर मुझे यहाँ आने के लिए रोज कहा जाएगा तो मैं अपने ऑफिस से रोज यहाँ आपके सामने होंगी। इसमें मुझे कोई बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। अगर मेरे ऑफिस वाले भी मुझसे कहेंगे कि कहाँ जा रही हो, तो मैं कह सकती हूँ कि आशा वर्करों की यूनियन में जा रही हूँ। आज भी मैं अपना काम 11:30 तक करके मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। मेरी आशा वर्कर ने मुझसे पूछा, दीदी हम हड़ताल पे जा रहे हैं, आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो टाइम मिले थोड़ा बहुत काम अपना करते रहो, और अपनी हड़ताल में अपने लोगों का साथ दो, ताकि आप जब एकजुट हो जाओगे तो आपकी मजबूती और ज्यादा बढ़ जाएगी, और आपसे हर कोई अधिकारी डरेगा। ये मैं एक एनएमओ के बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक एकता नहीं है कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ जो सारे ऑफिसर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपका साथ देने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे, कि हमारी आशा वर्कर बहनों की जीत हो। आप खुद भी अपने लिए इस हक के अधिकारी हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर के काम को छोड़ के, सब छोड़ के यहाँ बैठे हो, क्योंकि आपको कुछ अधिकार चाहिए। और अगर ये इच्छा मन में जिंदा रहेगी कि कुछ चाहिए तो मिलेगा पक्का। जब तक हम औरतें या हम बेटी अपने माँ बाप से या अपने पति से कुछ इच्छा जाहिर नहीं करती है तो हमें कुछ भी नहीं मिलता ना। जब हम थोड़ा सा जोर लगा के बोलते हैं ना हमें ये चीज चाहिए, पति शाम को सोचता हुआ आता है आज ये चीज लेके जाओ नहीं तो घर में बवाल हो जाएगा। तो नारी एकता जिंदाबाद, आशा वर्कर यूनियन, एनएमएल लक्ष्मी यूनियन, आशा वर्कर एनएम आपके साथ है। थैंक यू। हमारे बीच में कॉलेज जी ने जो बातें रखी, और पिछले एक महीने से मेरे अंदर में जितना हौसला था वो आज दो गुना हो गया।